भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अजमेर पहुंचेंगे। यहां अजमेर पहुंचने के बाद में अजमेर संभाग की 29 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर के जानकारी जुटाई जाएगी। भाजपा पदाधिकारी हमारे साथ में, उनसे जानकारी चाहेंगे। सर, किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है, किन विधानसभाओं को लेकर के और किन जिलों को लेकर के चर्चा हो? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये संभाग का दूसरे दिन का दौरा है। इससे पहले उन्होंने उदयपुर और जोधपुर संभागों की बैठक ली है। आज सुबह से कोटा संभाग की हमारी बैठक चल रही है और अभी हमारे अजमेर संभाग की बैठक प्रारंभ होने वाली है। निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी कार्यकर्ताओं के, जो संभाग के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उनसे मिलेंगे। और ये तो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, तो साल के 365 दिन काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी कार्यकर्ताओं में ये चुनावी बिगुल जो बजा है और उसके बारे में पूरी तरह से कार्यकर्ताओं को सजग करेंगे और किस तरह से हमें चुनाव की रणनीति बनानी है उस पर उन सभी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करेंगे। और हम सोचते हैं कि उनका ये दौरा राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है। वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी संभागों में इस तरह से दौरा करके सभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनसे विचार विमर्श भी करेंगे और उनसे विचार विमर्श करके पार्टी किस तरह से और आगे काम करे उस बारे में भी हमें वो आगे निर्देशित करेंगे। उनका ये दौरा बहुत ही ऐतिहासिक दौरा है और कार्यकर्ताओं में उनके दौरे को लेकर बहुत अच्छा उत्साह और उमंग है और कार्यकर्ता बिल्कुल पूरी तरह से मन बना चुका है कि अब की बार भाजपा सरकार और इस कांग्रेस सरकार, जिसने भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण, महिला अत्याचार और युवाओं के साथ जिस तरह से पेपर लीक जैसी घटनाएं की हैं, राजस्थान की जनता त्रस्त है। निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ आने वाली है। अजमेर संभाग की यदि बात की जाए तो नागौर और टोंक ऐसे जिले हैं जहां पर बीजेपी कमजोर नजर आती है। नागौर के अंदर जहां 10 में से मात्र 2 सीटें बीजेपी के पास में, वहां 4 में से 1 सीट टोंक में। देखिए, हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से नागौर हो या टोंक हो, राजस्थान का अजमेर का कोई भी हिस्सा हो, हम बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित और पूरी तरह से सजग है और इस कांग्रेस सरकार को बहुत बड़ा झटका इसमें लगेगा क्योंकि जनता बहुत बुरी तरह से इस कांग्रेस सरकार से त्रस्त है। बीरमदेव जी भी हमारे साथ में हैं। अजमेर के अंदर 2 टिकटों का बंटवारा हो चुका है, केकड़ी बीजेपी ने घोषित कर दिया, साथ में किशनगढ़ घोषित कर दिया, लेकिन विरोध जो है वो लगातार बढ़ा। देखिए, जो आकांक्षी कार्यकर्ता थे उनको ऐसा लग रहा था कि हम भी कार्यकर्ता हैं तो उनको अपनी बात कहने का हक है पार्टी में, ये प्रजातांत्रिक पार्टी है, परंतु अब कोई विरोध नहीं है। अब केवल वो अपनी बात कहने के लिए बड़े पदाधिकारी के पास जा रहे हैं और सब शांतिपूर्वक पार्टी का काम करेंगे। और मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी की इस अजमेर संभाग में 2013 में हम 28 सीटों पर जीते थे, उसी प्रकार से इस बार भी हम 29 की 29 सीटों पर हम जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा। संगठन के स्तर पर किस तरह की तैयारियाँ की जाए? संगठन के स्तर पर हम आज पेज प्रमुख से लेकर के और ऊपर तक सारा संगठन हमारा तत्पर तैयार हो गया है। पेज प्रमुख हमारे लगभग सब बन चुके हैं और इसके बाद में हमारा शक्ति केंद्र संयोजक, शक्ति केंद्र प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल के सारे मोर्चे सब गठित हो चुके हैं और बहुत अच्छी तरीके से संगठन काम कर रहा है। और माननीय CP जोशी जी के नेतृत्व में प्रदेश में संगठन बहुत मजबूती के साथ खड़ा है और हम बहुत अच्छी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सीटें लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने वाली है। शहर अध्यक्ष रमेश सोनी जी भी हैं, शहर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप फीडबैक भी देंगे अंदर, किस तरह का फीडबैक? निश्चित रूप से देखिए, जिस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार पर आधारित पार्टी है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार के एक संगठन रचना का एक जो अचूक ब्रह्मास्त्र पार्टी को दिया है, उसके नाते आज भारतीय जनता पार्टी न केवल बूथ स्तर पर बल्कि मतदाता सूची के प्रत्येक पेज पर हमने अपना कार्यकर्ता और वहां पर 5 कार्यकर्ताओं की एक समिति गठित कर ली है और ये अपने आप में एक बड़ा अचूक मंत्र है जिसके माध्यम से, संगठन शक्ति के माध्यम से, हम हमारे भारतीय जनता पार्टी के अजमेर जिले की जो हमारे 3 विधानसभाएं हैं, इन 3 विधानसभाओं के अंदर पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा करके और हमारे उम्मीदवार को जिताएं। रमेश जी, शहर के टिकटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है लेकिन विरोध के स्वर कहीं ना कहीं अभी से शुरू होते हैं। देखिए, मैं कह सकता हूँ कि वास्तव में हमारी जो सर पार्टी है, लोकतंत्र तांत्रिक पार्टी है, हमारी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है और उसके अंदर प्रत्येक कार्यकर्ता को अपना अधिकार है अपनी बात रखने का और अपने लिए, चूंकि राजनीति क्षेत्र में काम करते हैं इसलिए महत्वाकांक्षा स्वाभाविक है। और जहाँ तक
हमारे अभी तक चूंकि टिकट डिक्लेयर नहीं हुए हैं, तो टिकट डिक्लेयर होने तक खुद की बात रखने का प्रत्येक कार्यकर्ता को अधिकार होता है और वो अपनी बात रख भी रहे हैं। विरोध नाम की चीज मुझे नजर नहीं आती। जैसे ही पार्टी के हमारे प्रत्याशी घोषित होंगे, आप सब देखेंगे भारतीय जनता पार्टी, चूंकि मैंने बताया विचार पर आधारित पार्टी है, सब कार्यकर्ता जो आज टिकट मांग रहे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के साथ लग करके कंधे से कंधा मिला करके भारतीय जनता पार्टी काम करे। तो ये थे भाजपा के पदाधिकारी जिनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा एक विचारों की पार्टी है और टिकट मिलने के बाद में सब एकजुट होकर काम करेंगे। कैमरामैन अभिषेक आमेरा के साथ चंद्रशेखर शर्मा, अजमेर।